मैं कोई जज या वकील नहीं हूँ जो तुम लोग का तलाक का केस लड़ू। जाओ किसी जज या वकील का दरवाजा खटखटाओ। दीदी हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप ही हमारा फैसला करोगी। मुझे इस घटिया आदमी के साथ रहना ही नहीं है। दीदी ये क्या, मैं ही नहीं रहूंगा इसके साथ। एक काम करो, तुम लोग अपनी बकबक बंद करोगे और मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों जब पहली बार मिले होगे तो एक दूसरे के अंदर तो बहुत सारी खूबियां होगी ना, एक दूसरे के लिए चाहत और मर मिटने की कसमें वादे खाए होंगे, फिर वो सारी खूबियां, वो सारी मोहब्बत, प्यार, वो सब कहां गायब हो गया अब बताओ। दीदी उस टाइम मैं नहीं जानता था कि इसके इतने नखरे होंगे। ओहो, तुम तो जैसे बड़े दूध के दूल्हे हो। एक मिनट, उस वक्त तो इसकी बातों से फूल झड़ते होंगे ना, है? जिन्हें मरने की कसम जब खाई थी तूने इसको, तब तो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान लग रहा होगा। दो साल तक जब इसके नाम का मांग में सिंदूर भरा, तब अब क्या हो गया? और कल को जाके तू कोई दूसरा लड़का पसंद करेगी, सोचेगी क्या होगा तब? दीदी ये खुद ही तो बोली थी कि मैं मुंह नहीं देखना चाहती। ओए चुप, तू भी कोई कम नहीं है, औरत को समझना तेरे जैसे नीच इंसान की बात नहीं है, समझा? अरे औरत तो ममता का वो सागर है ना, इतनी गहराई होती है ना, लेकिन तुम जैसे पतियों के जुल्म ताने सहते सहते वो इतनी कठोर हो जाती है कि चुप हो जाती है, और जब फटती है ना तो सैलाब बन के निकलती है जो अब तुझे बर्दाश्त होगा नहीं। दीदी मुझे नहीं रहना इनके साथ और ना ही किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने हैं। मैं बस ये जानती हूँ कि आप ही मेरा फैसला करोगे, आप बस फैसला कर दो। एक समय था जब तुम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, और आज ऐसा क्या हो गया जो तुम एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते? बोलो, सात जन्मों के कस्में खाने वाले 7 साल भी तुम अपनी शादी को नहीं चला पाए, और 2 ही साल में तुम एक दूसरे से परेशान हो गए? बोलो। अरे जो आजकल का जो प्यार चल रहा है ना, वो सिर्फ पार्क से स्टार्ट होके बेडरूम तक खत्म हो जाता है, कुछ नहीं होता। एक दूसरे को समझ के चलने में समझदारी है। और चिंगारी ने ऐसे लव मैरिज वाले केसेस हजारों लाखों देखे हैं जो स्टार्ट होते हैं और खत्म हो जाते हैं तुरंत झटकों में। चिंगारी दीदी, प्यार के नाम पे इसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। न जाने कितनी कितनी लड़कियों से बातें करता रहता है, कैसी कैसी फोटो मंगवाता है, मैं तो देख भी नहीं सकती और इमेजिन भी नहीं कर सकती। अच्छा, खुद रात के 3-3 बजे तक 2-2 बजे तक बात करती है और मुझे बोल रही है। दीदी आप इसका फोन चेक करो, आप चेक करो इसका फोन, मैं बता रहा हूँ आपको ये इसमें भी कुछ ना कुछ होगा। मेरी ना फ्रेंड्स का कॉल आता है, तुम्हारी तरह लड़कियों का फोन। कौन से दोस्त है तेरे, कौन से, दिखा मुझे, जो सुबह के 3-4 बजे बात करते हैं, दिखा मुझे। ये काम तुमने पहले शुरू किया था, ठीक है ना? तूने कुछ शुरू कर दिया? अच्छा, तो ये सब पूरा कलेश इस फोन की वजह से हो रहा है ना? अरे आजकल 90% केसेस डाइवोर्स के ना सिर्फ फोन की वजह से हो रहे हैं। फोन फोन फोन, ये फोन ने तो जिंदगी खराब कर रखी है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, इस फोन के चक्कर में अपनी दुनिया खराब कर रहा है, अपने पारिवारिक रिश्ते खत्म कर रहा है। तुम दोनों एक बात सुनो, अगर तुम लोग चिंगारी के पास आए हो ना तो चिंगारी की बात माननी पड़ेगी, तभी मैं कोई फैसला सुना पाऊंगी। बोलो बात मानोगे? हाँ दीदी मानूंगा, बताइए आप। तो तू जयंती? हाँ दीदी, मैंने कभी आपकी बात को टाला है क्या? तो सुनो मेरी एक बात, एक काम करो, तुम लोग ना 1-1 महीने के लिए ना अपना फोन मेरे पास रख दो। चलो ठीक है, अपना फोन मेरे पास मत रखो। तुम दोनों ये सोचो ना कि तुम लोग एक बंद कमरे में हो, मियाँ बीबी, लेकिन तुम दोनों के पास फोन नहीं है। एक बार बताओ क्या करोगे? 1 महीने पूरा खर्चा मैं दूंगी, ना तुम्हें कहीं नौकरी करने जाना, ना तुम्हें स्कूल में पढ़ाने जाना है, एक साथ रहना है 1 महीने तक बंद कमरे में, नहाना धोना खाना पीना लड़ना झगड़ना सब कुछ करना है। बताओ क्या करोगे तुम लोग? क्या करें दीदी, चक मार के बात करनी ही पड़ेगी। हाँ दीदी बात तो करनी पड़ेगी। करोगे ना? और मान लो उसी बीच में किसी की तबीयत खराब हो गई तो? ख्याल रखना पड़ेगा, ऐसे किसी को बीमार थोड़ा छोड़ सकते हैं। हाँ दीदी, दुश्मन के लिए भी लोग हेल्प कर देते हैं, नहीं तो फिर भी मेरे पति हैं। ध्यान दोगे ना? बस मैंने अपना फैसला दे दिया, सारे फसाद की जड़ी फोन है। फोन हट गया ना, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ना फिर उसी तरीके से प्यार करोगे जैसे शुरुआत में करते थे। एक दूसरे के लिए मरोगे, एक दूसरे के अंदर अच्छाइयाँ ढूंढोगे, एक दूसरे केयर करोगे, एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करना पसंद करोगे, समझे? फोन को साइड करो। अरे फोन ठीक है, जरूरत है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा फोन ही साथ हो। फोन ही जिंदगी नहीं है, जिंदगी परिवार होता है। फोन से सिर्फ जरिया है लोगों से बात करने का, उतना ही बात करो ना जितना जरूरी हो। लोगों से बात करने उतना ही बात करो जितना जरूरी हो। पारिवारिक रिश्ते चलाने के लिए फोन भी जरूरी है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर फोन में ही लगे रहो। अरे कम से कम मियाँ बीबी एक साथ एक दूसरे को वक्त तो दोगे ना, जिंदगी चलानी है, जिंदगी की पटरी बहुत लंबी है, एक दूसरे को समझ के चलोगे ना तो ये पटरी ना सीधी चलती रहेगी, नहीं तो यूं 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 अब कहीं बीच में एक्सीडेंट हो जाएगा, समझे इस बात को? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ही माफ कर दो, कहीं ना कहीं मेरे से भी गलती हुई होगी, सॉरी।
गलती हुई नहीं होगी, गलती तुमसे हुई है। जितनी गलती मैंने की है उतनी गलती तुमने भी की है। ठीक है, माफी मांग रहा हूँ मैं, सॉरी। बहुत अच्छा हुआ कि बहुत जल्दी तुम लोग समझ गए, क्योंकि ना आजकल ये फोन ना बहुत रिश्ते तोड़ चुका है, और चिंगारी बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम दोनों का रिश्ता टूटे, क्योंकि तुम दोनों का प्यार भी इस चिंगारी ने देखा अपनी नजरों से, तो मैं तुम दोनों का तलाक तो बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती, समझे? एक दूसरे को वक्त दो, बहुत प्यार बढ़ेगा एक दूसरे के लिए। जी दीदी। हमेशा खुश रहो दोनों, ठीक है? लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और याद रखना अगर मैंने सुन लिया कि किसी ने भी लड़ाई झगड़ा किया फिर दोबारा फोन में लगे, वही आगे पिटाई करूंगी दोनों की, समझे? अब बताओ तलाक चाहिए तुम दोनों को? नहीं दीदी। अच्छी बात है। हाँ, आज के बाद से अगर मैंने सुन लिया ना कि एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो, बहुत पिटाई करूंगी इसी छड़ी से, सोच लेना, ठीक है? चलो जाओ घर जाओ, हमेशा खुश रहो मेरे बच्चों। खुश रहो, खुश रहो, जाओ घर जाओ। अरे ये फोन का जमाना, कितनों का घर तोड़ेगा। बस आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के अपील कर रही हूँ कि फोन को ना थोड़ा कम यूज करें, क्योंकि इस फोन की वजह से ना बाप बेटों को वक्त दे पाता है, ना माँ अपने बच्चों को, ना भाई बहन एक दूसरे को, ना मियाँ बीवी एक दूसरे को। फोन हटा दोगे ना तो फिर वही 25 साल पहले की पुरानी परंपरा चलने लग जाएगी, और एक दूसरे के लिए आप मरने मिटने लगेंगे और एक दूसरे को केयर करने लगेंगे। मेरी इस बात को बहुत जरूर करिएगा। धन्यवाद।